हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA Zone। तो आज का वीडियो होगा आपका इंग्लिश में। इंग्लिश का आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ मेमोरी, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो इसमें ऑप्शंस हैं ए एम्ब्रोसिया, बी एमनीसिया, सी इंसोमेनिया या डी फॉगेटिंग। तो इसका होगा बी। बी इज़ योर राइट आंसर, यानी एमनीसिया इज़ योर राइट आंसर। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनीसिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। तो इसमें ऑप्शंस है ए रश, बी विस्क, सी फ्लाई या डी फ्लिट। तो इसका राइट आंसर होगा बी विस्क। बी इज़ योर राइट आंसर। विस्क मतलब हरी, और टू मूव समवन समथिंग वेरी क्विकली और सडनली, तो विस्क इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज़ एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। तो इसमें ऑप्शंस हैं ए प्लेजरिज्म, बी बर्गरी, सी पायरेसी या डी प्लेफरेज। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए प्लेजरिज्म। तो उसे क्या कहा जाता है, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मतलब एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडिया और वर्ड्स और प्रिटेंड करना कि दैट दे आर योर ओन। तो ए इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, इसे क्या कहते हैं, ए शेड्यूल, बी एजेंडा, सी टाइम टेबल या डी प्लान। तो इसका राइट आंसर होगा बी एजेंडा, यानी लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग इज एजेंडा। तो बी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड। इसके ऑप्शंस है ए एलिजिबल, बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल, सी अनरीडेबल या डी अनइंटेलिजिबल। तो इसका राइट आंसर होगा एलिजिबल। तो ए इज़ योर राइट आंसर। एलिजिबल दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड इज एलिजिबल। ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। तो इसमें ऑप्शंस है ए एक्सप्लोरर, बी प्रॉम्प्टर, सी इम्पोस्टर या डी डिवाइनर। इसका राइट आंसर होगा सी। सी इज़ योर राइट आंसर, यानी इम्पोस्टर इज़ योर राइट आंसर। इसका मतलब है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडीज एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। तो सी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस। इसमें ऑप्शंस हैं ए वर्सेटाइल, बी एक्सपर्ट, सी बायलिंगुअल या डी नॉलेजेबल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बायलिंगुअल। तो सी इज़ योर राइट आंसर। इसका मतलब है एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस इक्वली वेल। तो सी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंस एंड अनरीजन फियर और डिसलाइक, इसे क्या कहते हैं, ए हॉरर, बी फोबिया, सी फ्रेट या डी स्केयर। तो बी फोबिया। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं, फोबिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। इसमें ऑप्शंस है ए असाइन, बी डेलीगेट, सी रिप्रेजेंट या डी डेजिग्नेट। इसका राइट आंसर होगा बी डेलीगेट। डेलीगेट करना मतलब टू गिव पार्ट ऑफ योर वर्क और पावर टू समबडी विच इज़ लोअर पोजिशन देन यू। तो उसे क्या कहते हैं, हम डेलीगेट या डेलीगेशन। तो बी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसके में ऑप्शंस हैं ए रेबेलियन, बी म्यूटनी, सी रिवॉल्ट या डी एनार्जी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी एनार्जी, मीन्स व्हेन देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल इज़ नोन एज एनार्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड। अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, इसमें ऑप्शंस हैं ए अनहर्ड, बी फेंट, डी सी ऑडिबल या डी इनऑडिबल। इसका ऑप्शन होगा डी इनऑडिबल, यानी यू कैन नॉट हेयर, अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड इज़ इनऑडिबल।
तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन। इसमें ऑप्शंस है ए वेनरेबल, बी फ्लेक्सिबल, सी ब्रिटल, यस डी डेलिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ब्रिटल, मतलब जो हार्ड होता है बट इजीली ब्रोकन, टूट जाता है। तो सी इज़ योर राइट आंसर, ब्रिटल इज़ योर राइट आंसर। तो अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन इज ब्रिटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर। इसमें ऑप्शंस है ए ऑर्बिट, बी कॉन्स्टेलेशन, सी सोलर सिस्टम या डी कॉमेट। तो इसका आंसर होगा बी कॉन्स्टेलेशन। इसका मतलब है अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम। उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, जिसे हम नक्षत्र या ग्रहमंडल तारामंडल भी कहते हैं। तो बी इज़ अ राइट आंसर, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर इज कॉन्स्टेलेशन। तो बी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। इसमें ऑप्शंस है ए ट्रांसपेरेंट, बी टेम्पररल, सी टेम्पररी या डी टेम्परेट। इसका राइट आंसर होगा सी टेम्पररी, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल इज टेम्पररी। तो सी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। तो इसमें ऑप्शंस है ए अवर्जन, बी एंटीपैथी, सी एपैथी या डी डेस्पेयर। इसका राइट आंसर होगा एंटीपैथी, यानी बी, बी इज़ योर राइट आंसर। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक ऑफ समवन इज एंटीपैथी। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन इज एंटीपैथी, बी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद अब वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। तो इसमें ऑप्शंस हैं ए पेंटर, बी आर्टिस्ट, सी डिज़ाइनर या डी आर्किटेक्ट। तो इसका ऑप्शन होगा बी पेंटर, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट इज आर्टिस्ट। तो बी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन। तो इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शंस है ए स्मूदर, बी हील्ड, सी ओवरवेल्म या डी फोर फीट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ओवरवेल्म। इसका मतलब है टू कॉज समवन टू फील सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन इज ओवरवेल्म। तो ओवरवेल्म इज योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। इसमें ऑप्शंस है ए प्यूंटर, बी हैकर, सी कस्टमर या डी क्लाइंट। तो ए इज़ योर राइट आंसर, प्यूंटर इज़ योर राइट आंसर। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट इज प्यूंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शैडी प्लेस अंडर ट्रीज। इसमें ऑप्शंस है ए डेबोनायर, बी बॉवर, सी गवर्नमेंट या डी फ्यूगेटिव। इसका आंसर होगा बी बॉवर, अ शैडी प्लेस अंडर ट्रीज बॉवर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल। तो इसमें ऑप्शंस है ए क्रिएटिव, बी इम्पेशियंस, सी एग्रेसिव या डी मैलिग्यूस। इसका राइट आंसर होगा सी अग्रेसिव, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल इज अग्रेसिव। जैसे एंग्री एंड बिहेविंग इन अ थ्रेटनिंग वे इज अग्रेसिव इज नोन एज। तो ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल इज अग्रेसिव। तो सी इज योर राइट आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चंस थे, आप डे टू डे रिवाइज करते रहिए तो आपके इजीली याद रहेगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।